Major soil deposits of India. The soil deposit of India may be classified in the following five major groups. Alluvial deposits सबसे पहले आता है, ये diagrammatically आप देख सकते हो कि कौन से deposits होते हैं. सबसे पहले आ गया alluvial deposits. A large part of North India is covered with alluvial deposit. The thickness of alluvium in the Indo-Gangetic and Brahmaputra floodplain vary from a few meter to more than 100 meters. Even in the peninsular India, alluvial deposit occur at some places. Alluvial जो deposit है वो North India में होते हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं ये light ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये सारा एल्यूवियल डिपॉजिट है, इस जगह पे भी है. तो ये होता है एल्यूवियल डिपॉजिट और इवन इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा थोड़ा मतलब फ्यू मीटर से लेके बहुत ज़्यादा 100 मीटर तक भी वेरी कर सकती है इसकी थिकनेस. और इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो होता है कि इसमें ऑल्टरनेटिंग लेयर्स होती है सैंड, सिल्ट और क्ले के, ठीक है. ये फिर उसके बाद द थिकनेस ऑफ ईच लेयर, मतलब इसकी जो हर एक लेयर की थिकनेस है डिपेंड करेगी लोकल टेरेन किस तरीके का, मतलब वहाँ पे लोकेलिटी है वो, उसमें माउंटेन्स है, हिल्स है वगैरह, क्या क्या है, वैली है, उस पे डिपेंड करेगा. और इवन द नेचर ऑफ फ्लड इन द रिवर कॉजिंग डिपोजिशन. The deposits are generally of lower density and are liable to liquefaction in earthquake prone areas. उसकी इस deposits की density बहुत ज़्यादा low होती है और इसमें liquefaction बहुत आसानी से हो जाती है earthquake prone area के आस, मतलब earthquake prone area में. फिर उसके बाद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल. अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड अ पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया इज कवर्ड विद ब्लैक कॉटन सॉइल. दीज सॉइल्स आर रेजिडुअल डिपॉजिट फ्रॉम बेसाल्ट और ट्रैप्ड रॉक्स. द सॉइल्स आर क्वाइट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ये ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में थोड़ा ग्रेइश कलर में जो शेड किया हुआ है ये होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है. ये ब्लैक सॉइल होती है और इसमें कॉटन को हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं. ब्लैक कॉटन सॉइल आर, इसीलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं. ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी. इसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी की क्लेज होती हैं, जैसे कि एग्जांपल सबसे पहले तो आ गया क्ले मिनरल हो गया मॉन्ट मोरिलो नाइट, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. द सॉइल हैव हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग के बहुत ज़्यादा हाई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये. और द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज एक्सट्रीमली लो. इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत लो होती है. सॉइल्स आर हाईली कंप्रेसिबल एंड हैव लो बियरिंग कैपेसिटी. इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी और कंप्रेसिबल ये बहुत ज़्यादा होगी. इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू वर्क विद सच सॉइल्स. इन सॉइल्स के साथ वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया. और लेटराटिक सॉइल्स. लेटराटिक सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रिमूवल ऑफ बेसिस एंड सिलिका एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव दिस सॉइल्स द कैरेक्टरिस्टिक रेड और पिंक कलर. रेड और पिंक कलर इसको दे देता है ये आयरन ऑक्साइड. दीज आर रेजिडुअल सॉइल्स फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट. बेसाल्ट से ये एक रेजिडुअल सॉइल्स बनती है. लेटराटिक सॉइल एग्जिस्ट इन सेंट्रल, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लेटराटिक सॉइल्स जो है स्किनी कलर थोड़ा है इसका, इस पोर्शन में और यहाँ पे भी है ये. तो ये लेटराटिक सॉइल्स होती हैं और ये मतलब इन इन पोर्शंस पे होती हैं. द लेटराटिक सॉइल्स आर सॉफ्ट. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसको इवन हम बहुत आसानी से कट कर सकते हैं अगर ये वेट होगी. हाउ एवर दीज हार्डन विद टाइम. ये टाइम के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी. द हार्ड क्रस्ट ऑफ ग्रेवल साइज पार्टिकल्स सच एस लेटराइट्स एग्जिस्ट नियर द ग्राउंड सर्फिस. द प्लास्टिसिटी ऑफ लेटराटिक सॉइल डिक्रीजेस विद डेप्थ एज दे अप्रोचेज द पेरेंट रॉक्स. द सॉइल एस्पेशली दोज विच कॉन्टेन आयरन ऑक्साइड हैव रिलेटिवली हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये जो होती है इसका जो हार्ड मतलब ये टाइम के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं. तो हार्ड क्रस्ट जो ग्रेवल का साइज होगा पार्टिकल्स नोन एज लेटराइट्स एग्जिस्ट नियर द ग्राउंड सरफेस, मतलब ग्राउंड सरफेस के आसपास होते हैं. और प्लास्टिसिटी जो होती है लेटराटिक सॉइल की वो डिक्रीज करती है डेप्थ के साथ. जितना ही वो पेरेंट रॉक के पास जाता जाता उतनी ही उसकी जो प्लास्टिसिटी है वो कम होती जाती है. और इस सॉइल्स में आयरन ऑक्साइड जो होता है अगर वो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से रिलेटिवली हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है.
डेजर्ट सॉइल, जैसे कि हमें पता ही है राजस्थान में डेजर्ट सॉइल होती है। अ लार्ज प्लेन ऑफ राजस्थान एंड एडजॉइनिंग स्टेट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स भी होते हैं। इन दिस एरिया एरिड कंडीशंस एग्जिस्ट विच प्रैक्टिकली लिटिल रेनफॉल, विद प्रैक्टिकली वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। सैंड ड्यून इज यूनिफॉर्म इन ग्रेडेशन, द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द रेंज ऑफ फाइन सैंड, द सैंड इज नॉन प्लास्टिक एंड हाईली परवियस। As the sand is generally in loose condition, it requires densification to increase its strength. उसमें डेंसिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये नॉन प्लास्टिक होती है, हाईली परवियस होती है। और यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो एरिड है, मतलब येलो येलो पोर्शन वाली एरिड सॉइल जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हमारी डेजर्ट सॉइल। और इसके बाद आती है डेजर्ट सॉइल के बाद हमारे पास है मरीन डिपॉजिट। मरीन डिपॉजिट्स आर मेनली कन्फर्म्ड अलोंग अ नैरो बेल्ट नियर द कोस्ट इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। दीज आर थिक लेयर ऑफ सैंड अबव डीप डिपॉजिट ऑफ सॉफ्ट मरीन क्लेज। मरीन डिपॉजिट्स हैव वेरी लो शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड आर हाईली कंप्रेसिबल। दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। द मरीन क्ले आर सॉफ्ट एंड हाईली प्लास्टिक। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी और हाईली प्लास्टिक होंगी, और यूजुअल सी बात है अगर ये मतलब सी के आसपास हो रही है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, और ये जो होंगी मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल भी होंगी, और इसमें लो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू।